स्टूडेंट्स, आज हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयकर खुद क्या है। तो आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया एक प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप बताया था कि करों को दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। दूसरी चीज़, आयकर किस प्रकार का कर है? प्रगतिशील कर है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो कर की प्रणाली है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होते हैं प्रगतिशील कर, और एक होते हैं प्रतिगामी कर, और एक होते हैं आनुपातिक कर। तो आयकर क्या है? प्रत्यक्ष है, प्रगतिशील कर रहे हैं। यह एक व्यक्ति को गत वर्ष में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त या उपार्जित आय के ऊपर एक कर है। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की डेफिनेशन हम अभी भी देखेंगे, धारा 231 में दी गई है। इसके अंतर्गत गत वर्ष की डेफिनेशन देखेंगे, वो सेक्शन 3 में है, और आय की डेफिनेशन धारा 224 में दी गई है। तो किसी भी व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों से गत वर्ष में जो भी आय प्राप्त हुई है अथवा उपार्जित हुई है उसके ऊपर एक कर है। गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। एक होता है आपका प्रीवियस ईयर और एक होता है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है। अब हम देखते हैं करदाता की परिभाषा। कर किस पे लगेगा? करदाता के ऊपर लगेगा। तो हम करदाता देखते हैं। तो आयकर अधिनियम की धारा 2(7) में करदाता को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार करदाता से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा कर या अन्य कोई राशि, जैसे कोई जुर्माना, ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत दे हो। ठीक है, समझ में आई। अब इसमें निम्नलिखित व्यक्ति भी शामिल है। इसमें तीन प्रकार के व्यक्ति और शामिल है। कौन कौन से? एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो, दूसरा माना गया करदाता डीम्ड एसेसी, और तीसरा एसेसी इन डिफॉल्ट चूक के कारण करदाता। तो अब हम ये देखें कि माना गया करदाता और चूक के कारण करदाता क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि माना गया करदाता क्या है। तो माना गया करदाता जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के आय पर कर चुकाना पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को माना गया करदाता कहते हैं। जैसे अनिवासी के केस में अनिवासी का भारत में जो एजेंट है वह माना गया करदाता होगा। इसी प्रकार किसी अवयस्क, किसी पागल या मृतक व्यक्ति का कोई कानूनी प्रतिनिधि, संरक्षक या मैनेजर है तो वो माना गया करदाता होगा। और इसी प्रकार जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं वो माना गया करदाता माने जाते हैं। अब चूक के कारण करदाता, एसेसी इन डिफॉल्ट, चूक के कारण करदाता क्या होते हैं? तो वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत त्रुटि के कारण करदाता मान दिया गया हो, अर्थात किसी व्यक्ति का इस अधिनियम की किसी भी धारा के अंतर्गत मान लीजिए कोई ऑब्लिगेशंस था, कोई कार्य करने का उत्तरदायित्व था और उसने वह कार्य नहीं किया है। उदाहरण के लिए हम लें TDS, मान लीजिए किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व था कि किसी व्यक्ति को भुगतान करने से पूर्व वह उसमें से कर की कटौती करे, टैक्स डेट सोर्स करे, तो मान लीजिए उसने ऐसा नहीं किया, या उसने टैक्स तो डिडक्ट कर लिया लेकिन भारत सरकार के खाते में जमा नहीं करवाया, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को चूक के कारण करदाता माना जाएगा। तो ये एसएससी की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं डेफिनेशन, व्यक्ति की डेफिनेशन, व्यक्ति की डेफिनेशन में कौन कौन शामिल होते हैं। तो व्यक्ति की डेफिनेशन आयकर अधिनियम की धारा 231 में दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार व्यक्ति की डेफिनेशन में 7 प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन शामिल होता है। एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, मतलब आप में सभी प्राकृतिक प्राणी इंडिविजुअल होते हैं जिनका कि अस्तित्व में है वो इसी में आएंगे। ये इंडिविजुअल चाहे से आपका पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, या माइनर भी हो सकता है, कोई पागल हो सकता है आगे। ये बात अलग है कि कोई पागल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको, माना गया करदाता में कोई पागल व्यक्ति है अथवा कोई नाबालिग है तो उसकी आय पर जो कर का निर्धारण किया जाएगा वो उसके प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा और वो प्रतिनिधि डीम्ड एसेसी कहलाता है। इसके बाद में हम देखें हिंदू अविभाजित परिवार। तो यदि कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार है जिसको कि अपने पूर्वजों से कोई व्यवसाय या संपत्ति प्राप्त हुई है, उससे उनको कोई आय अर्जित हो रही है, तो उसका जो असेसमेंट होगा उस परिवार का वो एक हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में होगा और उसको व्यक्ति की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। अब हम देखें एक कंपनी। तो कंपनी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कंपनी क्या होती है? कोई भी कृत्रिम व्यक्ति जिसका स्वयं का कानून के द्वारा एक अस्तित्व होता है, अपनी एक सार मुद्रा होती है, उसके शेयर धारकों का दायित्व सीमित होता है और उसी अंशों में विभक्त हो। फर्म, फर्म हम देखते हैं कोई भी दो या अधिक व्यक्ति मिलके कोई बिजनेस करना चाहें तो वो क्या होती है? फर्म होती है। ठीक है, तो उसको भी व्यक्ति की डेफिनेशन शामिल किया जाता है। अब आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का समुदाय और व्यक्तियों का समूह।
दोनों में डिफरेंस क्या है। तो व्यक्तियों के समुदाय में तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो VST हो, HO हो, फर्म या कंपनी, उस समुदाय की सदस्य बन सकती है। जबकि व्यष्टियों का समुदाय या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में केवल केवल जो प्राकृतिक व्यक्ति है, जो कि हमने ऊपर ही ऊपर देखा था इंडिविजुअल्स, वो ही उसके सदस्य बन सकते हैं। ये लोग मान लीजिए कोई बिजनेस करने के लिए एकत्रित होते हैं, कोई बिजनेस किया जा रहा है, तो उस उनका जो असेसमेंट होगा वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में होगा। इसके बाद में आता है ये लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता या सरकार। तो ये क्या है, ये जैसे आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर विकास, पंचायत समिति, ये सब क्या होते हैं, लोकल अथॉरिटीज कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है, कानून के द्वारा निर्मित होते हैं। किसके लिए होते हैं, कि सरकार का जो कोष या प्रबंध करना है उस छोटे छत्र विशेष के लिए, उसके लिए सरकार द्वारा स्थापित हैं। इनका लोकल अथॉरिटी के रूप में असेसमेंट किया जाएगा। अब आते हैं अन्य कृत्रिम व्यक्ति। तो ये कौन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो आर्टिफिशियल पर्सन से तात्पर्य ऐसे संस्थाओं से है जो कि अप्राकृतिक होते हैं लेकिन जिनका अस्तित्व है, जैसे देवी देवता, भगवान आदि कृत्रिम व्यक्ति माने जाते हैं। इसी प्रकार वैधानिक अस्तित्व रखने वाले अदर व्यक्ति जो कि उपरोक्त किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं हुए हैं, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, वो भी इस आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन में शामिल होंगे। अब हम देखते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर की जो आय है उसका असेसमेंट असेसमेंट ईयर में होता है। तो एक ईयर होता है आपका प्रीवियस ईयर और इमीडिएटली उसके बाद वाला ईयर होता है असेसमेंट ईयर। तो पहले हम देखते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या है। तो आयकर अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से अभिप्राय उस अवधि से है जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। जैसे हम देखें कि यदि हमारा कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 है, तो उस केस में ये 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगा और 31 मार्च 2021 को ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखें गत वर्ष क्या होता है। तो गत वर्ष आयकर अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है, जिसके अनुसार कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व वाले वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। उदाहरणार्थ जैसे हम बात करें, हमारा असेसमेंट ईयर है 2021, तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2019-20, जो कि 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ होगा और 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगा। अब हम ये देखें कि मान लीजिए कोई बिजनेस गत वर्ष में प्रारंभ किया गया है, हमारा प्रीवियस ईयर है 2019 और 2020, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2019 से 2020 तक चल रहा है। कब तक चल रहा है, 31 मार्च 2020 तक। अब मान लीजिए कोई बिजनेस आपने एस्टेब्लिश किया किसी एसएससी ने 1 नवंबर 2019 को, तो उस केस में उसका जो प्रीवियस ईयर है उसकी अवधि क्या होगी, 1 नवंबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दूसरा रूल, ये तो आपका नोट वन था, ये रूल था कि कोई बिजनेस आपने मान लीजिए कोई इनकम का सोर्स किसी पर्टिकुलर डेट को अस्तित्व में आया, तो उस डेट से लेके और प्रीवियस ईयर की समाप्ति तक वो आपका प्रीवियस ईयर होगा। इसलिए इस केस में प्रीवियस ईयर आपका छोटा अवधि का भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं नोट 2, सामान्य नियम। तो सामान्य नियम तो ये है कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। कब लगता है, गत वर्ष की आय में संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टेस्ट इन द असेसमेंट ईयर। ठीक है, दो ईयर होते हैं, एक प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर। लेकिन अभी हम पांच सेक्शंस का अध्ययन करेंगे। उन पांच सेक्शन में इस सामान्य नियम के अपवाद बताए गए हैं। किस लिए बताए हैं ये नियम, अपवाद क्यों बनाए गए हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, राजस्व की क्षति को रोकने के लिए और राजस्व हितों के लिए ये नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम ही हो जाता है, अर्थात उस प्रीवियस ईयर की इनकम पे उसी ईयर में आपका कर का निर्धारण कर लिया जाता है। सबसे पहले ये एक अपवाद है जो बता रहा हूँ मैं आपको, शिपिंग बिजनेस ऑफ है नॉन रेजिडेंट, अनिवासी का समुद्री जहाज द्वारा व्यवसाय से आय, किसमें बताया गया है, धारा 172 में ये बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए कोई अनिवासी व्यक्ति है, भारतीय बंदरगाह से वो जहाज लेके चला, जिसमें वो सामान भी ले जा सकता है, डाक हो सकती है, पशु हो सकते हैं, यात्री हो सकते हैं, कुछ भी है, तो उसके द्वारा जो भी राशि प्राप्त हुई है या उसको प्राप्त होने वाली है, उसकी 7.5% आय उस जहाज के मालिक की आय मान ली जाएगी और उस पर उसका कर का भुगतान करना होगा उसी ईयर में। किस कब, जबकि उसका भारत में कोई एजेंट
ना हो, ठीक है, समझने के बाद। अब दूसरा, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इन इंडिया। तो यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है तथा उसका भारत वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है, तो जिस वर्ष में वह भारत छोड़कर जा रहा है उस वर्ष के कर का उसको उसी वर्ष में भुगतान करना होगा। फिर तीसरा हम देखें, बॉडीज एस्टेब्लिश फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ निकाय जो कि अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हैं। मान लीजिए आपने कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बनाया, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया, और गत वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही उसका जो भी कार्य करना था वो समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी उसी वर्ष में उस पर कर का आरोपण कर देगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कर बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण। तो यदि कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी के द्वारा आय का निर्धारण तुरंत ही कर दिया जाता है। व्यापार बंद होने की दशा में, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई करदाता गत वर्ष में उसने 31 मार्च की समाप्ति से पूरी अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी जिस तारीख को वो बिजनेस बंद कर रहा है उस तिथि तक के लाभ की गणना कर लेगा तथा उस पर आयकर का तुरंत निर्धारण कर दिया जाएगा। ये कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन समझा।